सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग दिखाता हूँ कि GTA 5 की जो मेरे सारे के सारे मिशन हैं यहाँ पर है 100% हो गए। देख लो यार ये रहा, ठीक है देख लो, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा मैप यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन मैं आपको जाता हूँ गेम सेटिंग में और मैं आप लोगों को आपको भी दिखा देता हूँ कि लोड स्क्रीन देखो अननोन द ट्रुथ 100% कंप्लीट मिशन है। सो हे गेमर्स कैसे और आप लोग, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग GTA 5 में 100% फाइल्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, तो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को पहले क्लियर ही कर देता हूँ कि भाई देखो डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं जाने वाला हूँ एंड रॉक स्टार गेम्स में कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये बिल्कुल नई लोकेशन है, बिकॉज मैं भी रॉक स्टार में जा रहा था यूट्यूब पर वीडियो देखकर और कर रहा था सेव फाइल्स, कुछ नहीं हो रही थी, बट ये बिल्कुल न्यू है। आप लोग ट्राई करना यार, काम हो जाएगा, और ना हो तो कमेंट आपके लिए खाली है, कमेंट हाथों हाथ कर सकते हो। तो चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन जाना गाइस, डिस्क्रिप्शन में आप लोग यार ये सेव फाइल्स के जो ऑप्शन है मिल जाएगा एंड देन आप लोग को इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो आपको दो फाइल्स मिलेंगी, देखो ये दो फाइल्स लिखी हैं, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को आप लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे कॉपी। तो इससे पहले मैं कॉपी करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपको जाना अपनी सी ड्राइव्स में, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में दोस्तों जाने के बाद यार यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा व्यूज़ का, सिंपली व्यू पे क्लिक करना है। देन ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने ये वाला फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू का, सिंपली व्यू में जाना है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है, देन अप्लाई पे क्लिक कर दो और ओके कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने देखिए GTA 5 के भी मतलब जो भी हाइडन फोल्डर है वो आप लोग के सामने शो हो गया है। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर भी है जिसका नाम है प्रोग्राम डाटा, एंड प्रोग्राम डाटा में आप लोगों को वो करना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सिंपली करना क्या, देखो डाउनलोड पर जाना है और जो हमारी दोनों फाइल्स हमने एक्सट्रैक्ट की थी इसको करना है, सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड देन हम जाते हैं सी ड्राइव में, प्रोग्राम डाटा में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोशल क्लब, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे प्लेयर, और देखो सबसे ऊपर है मिलेगा 27 15 90 वाला, नीचे वाला मत करना ऊपर वाला करना। इस पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर ये फाइल्स हैं, सिंपली आप लोग को यहाँ पर पेस्ट करनी है और रिप्लेस द फाइल्स इन द डिस्टेंशन जो भी है, सिंपली यहाँ पर ओके कर देंगे, कंटिन्यू पे यहाँ पर लोग आप लोग क्लिक कर दोगे। सो यार इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर ओपन अपनी GTA 5 एंड देन आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को ये सब हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर GTA 5 मैंने ओपन कर लिया यार। आप में से अभी बहुत से लोग ये कहोगे भाई अपने तूने GTA 5 यार ओपन क्योंकि हमको ओपन करके क्यों नहीं दिखाया जब तूने किया। देखो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका नाम है फ्री कैमेट और ये जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यार ये बहुत ही बेकार है क्योंकि गेम रिकॉर्ड नहीं करता है, पता नहीं क्यों GTA 5। तो GTA 5 जब मेरी ओपन होती है फुल स्क्रीन में आती है तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये सिंपल सफल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर पूरी फाइल्स जो आप लोग दिखाता हूँ, देखो ये मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये देखो पूरी आपकी जो भी है मतलब GTA 5 की सारी जो लोकेशन है सब कुछ यहाँ पर ओपन चुका है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑटो सेव में, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर गेम में जाता हूँ, ठीक है। गेम में जाने के बाद गाइज मैं यहाँ पर लोड स्क्रीन में जाता हूँ और बूम यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यार अननोन द ट्रुथ 100% कंप्लीट। तो यहाँ पर सबका सब आपका कंप्लीट हो चुका है, आई श्योर कि आपको ये कंप्लीट हो जाएगा आपका भी, और ना हो तो कमेंट आपके लिए खाली है, कमेंट आप लोग कर सकते हो। और गाइज यदि आप लोग ऐसी GTA 5 की वीडियो देखना चाहते हैं तो यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर कर लें। सो गाइज अगर कोई और दिक्कत है GTA 5 से रिलेटेड तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, GTA 5 में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, बाकी बहुत चीज़ मैं समझ चुका हूँ GTA 5 में। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता होगा तो भी मैं आप लोगों को दूसरे से पूछ के आप लोगों को बता दूंगा। सो गाइज यार आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो लाइक कर देना, काम बन गया हो तो लाइक कर देना, मेहनत लगती है यार। सो गाइज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज को देखने के लिए, हो सके तो दोस्तों का भी शेयर कर देना जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो। सो गाइज मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।